स्वागत है दोस्तों आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने YouTube चैनल सिविल गुरुजी में, जिसमें बात करते हैं कंप्लीटली सिविल इंजीनियरिंग के बारे में। दोस्तों आज का टॉपिक इंपॉर्टेंट इसलिए हो जाता है क्योंकि आज का टॉपिक मैं आप लोगों के लिए लेकर आया हूं एस्टिमेशन पार्ट्स। और एस्टिमेशन पार्ट में आज आप कंप्लीटली समझेंगे कि कैसे नोट्स होते हैं एस्टिमेशन, किस तरह की हमें स्पेसिफिकेशन जाननी होती है नोट्स में, और साथ में नोट्स आपको कहां पर मिलेंगे उसके बारे में कंप्लीट जानकारी मैं इस वीडियो में आप लोगों को दूंगा। साथ में दोस्तों आपको पता होगा कि सिविल गुरुजी ने जो एप्लीकेशन चालू किया, आप लोगों के लिए डाउनलोड कीजिए सिविल गुरुजी एप्लीकेशन को, एंड्रॉइड प्ले स्टोर पे अवेलेबल है इजीली। और साथ में इस वीडियो को इतने लाइक कीजिए क्योंकि आप लोगों के लिए इस नोट्स को बनाने के लिए जो मैंने यहां पर मेहनत की आप लोगों के लिए कि आपको जल्दी से जल्दी सभी चीजों की जानकारी मिलती रहे, तो इसलिए दोस्तों वीडियो को लाइक करना बेहद जरूरी हो जाता है। चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस कीजिए। आइए दोस्तों स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो और देखते हैं यहां पर किस तरह के नोट्स मैं आप लोगों के लिए लेकर आया हूं। इसके अलावा यहां पर लिखा है वेलकम टू द वर्ल्ड ऑफ सिविल गुरुजी और यहां पर एक एस्टिमेशन प्लानिंग नोट्स। एस्टिमेशन प्लानिंग नोट्स के बाद यहां पर दिया गया है अबाउट दिस नोट्स। इस नोट्स में आपको क्या मिलेगा, इस नोट्स में इजीली अवेलेबल है आप लोगों के लिए कि कंप्लीट बिल्डिंग एस्टिमेशन, साइट क्लीनिंग से लेके प्रोजेक्ट हैंडओवर तक जितने भी काम करने होते हैं इस नोट्स में इजीली अवेलेबल है। इस नोट्स के जरिए आप एस्टिमेशन बनाना भी सीख सकते हैं यहां पर। इसके बाद यहां पर दिखाता हूं मैं आगे आप लोगों के लिए एक एग्जांपल दिया गया है। उससे पहले यहां पर समझते हैं व्हाट इज एस्टिमेशन, की एस्टिमेशन है क्या। देखिए एस्टिमेशन एक ऐसी टेक्निक है जिसके द्वारा हम क्या करते हैं, एस्टिमेशन करते हैं और साथ में वेरियस क्वांटिटीज जो होती है हमारे एस्टिमेशन की उसको फाइंड आउट करते हैं, कॉस्ट निकालते हैं, कॉस्ट निकाल के बजट पता चलता है हमको, इसे बोलते हैं क्या एस्टिमेशन। इसके अलावा यहां पर किस किस चीजों की जरूरत पड़ती है, ड्रॉइंग, ड्रॉइंग लाइक प्लान, एलिवेशन, सेक्शन ऑफ इंपॉर्टेंट कॉम्पोनेंट, जिन चीजों का हम एस्टिमेशन करेंगे उनकी कंप्लीटली हमारे पास ड्रॉइंग होनी चाहिए। साथ में लिखा है डिटेल्ड स्पेसिफिकेशन अबाउट वर्कमैनशिप एंड प्रॉपर्टीज ऑफ मटेरियल, मतलब जितने भी रिसोर्सेज हमारे साइट पर लगेंगे उनकी कंप्लीट डिटेल्स मेरे पास होनी चाहिए, स्पेसिफिकेशन पता होनी चाहिए, तभी मैं एस्टिमेशन कर सकता हूं। एक दो पॉइंट जानकर मैं एस्टिमेशन कभी भी नहीं कर सकता। नीचे लिखा है स्टैंडर्ड शेड्यूल ऑफ रेट्स फॉर प्रिपेयर बिल ऑफ क्वांटिटी, बिल ऑफ क्वांटिटी के लिए आपको शेड्यूल ऑफ रेट जानना बेहद ही जरूरी है, जो कि हम अपने कॉर्पोरेट ट्रेनिंग कोर्स के प्रोग्राम में जरूर कराते हैं। एक बात यहां पर मैं आप लोगों को बताना चाहूंगा कि ये नोट्स आप लोगों के लिए अवेलेबल हैं, डाउनलोड कीजिए सिविल गुरुजी एप्लीकेशन को, वहां पर जाकर आपको ये नोट्स की जानकारी मिलेगी कि नोट्स आप कैसे इसको नोट्स को एनरोल कर सकते हैं नोट्स में। इसके बाद आगे चलता हूं मैं, यहां पर एक एग्जांपल लिया है कि आप कोई ट्रिप ऑर्गेनाइज करते हैं। देखिए जो मेरा कॉर्पोरेट ट्रेनिंग प्रोग्राम है या गुरुजी का खजाना कोर्स है उसमें जो एस्टिमेशन पढ़ाता हूं मैं, उस एस्टिमेशन में कंप्लीटली एग्जांपल से पढ़ाता हूं। क्यों? क्योंकि एग्जांपल हमें डायरेक्टली हिट करते हैं, एग्जांपल से हमें समझ में आता है कि ये क्या समझा रहे हैं हमको। तो यहां भी मैंने एक एग्जांपल समझाया था, उस एग्जांपल के बारे में आप लोगों को बताता हूं। यहां पर लिखा है हाउ टू ऑर्गेनाइज ट्रिप टू मनाली। आप एक ट्रिप कर रहे हैं मनाली जाने के लिए, थोड़ा सा मनाली का फोटो दिखाता हूं आपको, तभी ठंडी लगेगी आपको। ये मनाली का एक फोटो मैंने इसमें लगाया हुआ है। अब जरा समझिए कि यहां पर मैंने एस्टिमेशन किया है। अब ये एस्टिमेशन हुआ कैसे? देखिए जब भी आप एस्टिमेशन करते हैं तो एस्टिमेशन कब करना है, काम शुरू होने से पहले, सेम ट्रिप ऑर्गेनाइज करने से पहले आप जानना चाहते हैं कि ट्रिप में बजट कितना आएगा, ट्रिप का ड्यूरेशन क्या होगा, वो कंप्लीटली इस एग्जांपल के द्वारा मैंने निकाला। और इसे ही बोलते हैं एस्टिमेशन, बिल्डिंग बनने से पहले किया गया काम और उसका बजट क्या होगा, उसे कंप्लीशन होने में, प्रोजेक्ट कंप्लीशन होने में कितना टाइम लगेगा, दैट इज कॉल्ड एस्टिमेशन। अब यहां पर समझेंगे आप लोग कि किस कंपोनेंट्स की जरूरत पड़ती है। जैसे मनाली जाने के लिए आपको क्या चाहिए, टैक्सी चाहिए पहले, फ्लाइट चाहिए, होटल चाहिए, देन जहां पर आपको मनाली में घूमना है जैसे सोलांग वैली मैंने एग्जांपल लिया, उसके बाद अगेन आपको वापस आना है तो कैब चाहिए, फ्लाइट चाहिए, टैक्सी चाहिए, दैट इज द कंपोनेंट ऑफ मनाली ट्रिप। ये मनाली ट्रिप के क्या है, हमारे कंपोनेंट्स, सेम बिल्डिंग आइटम के कंपोनेंट्स होते हैं, जैसा कि साइट क्लीनिंग, एक्सकवेशन, सैंड फिलिंग, पीसीसी, फुटिंग कंक्रीट, फुटिंग शटरिंग, पेडेस्टल कॉलम कंक्रीट, पेडेस्टल कॉलम शटरिंग, बैक फिलिंग, वन लाइन ब्रिकवर्क फॉर ग्राउंड बीम, ग्राउंड बीम कंक्रीट, ग्राउंड बीम शटरिंग, इसके बाद आपका ब्रिकवर्क अप टू डीपीसी बॉटम, डीपीसी बिटुमिन कोड, ये सब स्ट्रक्चर तक हुआ है अभी बस, अभी तो सुपर स्ट्रक्चर बचा है, अभी तो फिनिशिंग स्टेज बचा है, इसके बाद की हैंडओवर बचा है, विंडो ग्रिल्स बचे हुए हैं। इतने सारे कंस्ट्रक्शन प्रोसेस को मैंने इन नोट्स के अंदर इंक्लूड किया है, साथ में उनका स्पेसिफिकेशन करते हैं इन सभी आइटम्स का। अब आप लोग देखेंगे यहां पर एक आया कि नीड फॉर एस्टिमेशन एंड कॉस्टिंग। एस्टिमेशन एंड कॉस्टिंग क्यों करना जरूरी है, सबसे पहले यहां पर समझेंगे, लिखा है एस्टिमेशन गिव्स एन आइडिया ऑफ द कॉस्ट ऑफ द वर्क एंड हेंस इन फिजिबिलिटी कैन बी डिटरमाइंड दैट इज वेदर द प्रोजेक्ट कुड बी टेकन अप विद इन द फंड्स अवेलेबल और नॉट। कोई भी प्रोजेक्ट को जब हम संभालते हैं
तो सबसे पहले एस्टिमेशन इसलिए करना पड़ जाता है क्योंकि जो फंड हम निकाल रहे हैं, एक बजट जो निकाल रहे हैं, क्या उसके अंदर हमारा प्रोजेक्ट खत्म हो पाएगा क्या, इसलिए एस्टिमेशन करना जरूरी है। इसके बाद लिखा है एस्टिमेट गिव्स एन आइडिया ऑफ द टाइम रिक्वायर्ड फॉर कंप्लीशन ऑफ प्रोजेक्ट। मतलब कि जो एस्टिमेशन क्यों कर रहे हैं हम, कि जो प्रोजेक्ट है वो विद इन द टाइम लिमिट कंप्लीट हो पाएगा या नहीं, ये भी कंप्लीटली एस्टिमेशन में निकालते हैं। इसके बाद एस्टिमेशन इज रिक्वायर्ड टू इनवाइट द टेंडर एंड कोटेशन टू अरेंज कॉन्ट्रैक्ट। मतलब कि हम एस्टिमेशन क्यों कर रहे हैं, कि जो हम टेंडर भरते हैं, किसी को कोटेशन देते हैं, हमारी खुद की कंसल्टेंसी खोल दी हमने, उस कंसल्टेंसी में हमें किसी को बजट निकाल के देना है, उसको बोलते हैं कोटेशन देना। सबसे पहले आप कोटेशन देंगे कि कितने लाख का है, कितने करोड़ का आपका बजट आएगा इस घर को बनवाने में, इस बिल्डिंग को बनवाने में, चाहे वो रेजिडेंशियल हो या कमर्शियल बिल्डिंग हो। तो उसके लिए कंप्लीटली एस्टिमेशन की ही जरूरत पड़ती है। इसके बाद एस्टिमेशन इज ऑल्सो रिक्वायर्ड टू कंट्रोल द एक्सपेंडिचर ड्यूरिंग द एग्जीक्यूशन ऑफ वर्क। मतलब कोई एक्स्ट्रा खर्चे जो हो रहे हैं उसको कंट्रोल करना है मुझको, तो क्या जरूरी है मेरे पास एस्टिमेशन, क्यों, कंप्लीटली पहले ही मुझे पता चल गया क्या क्या आइटम करने, कब मेरा घर बनेगा, कुछ फालतू खर्चा नहीं कराऊंगा मैं। इसके बाद एस्टिमेशन डिसाइड्स वेदर द प्रपोज्ड प्लान मैच द फंड एंड अवेलेबल नॉट। मतलब कि कोई आर्किटेक्चर ने मुझे प्लान दिया, उस प्लान को जब मैं कंस्ट्रक्ट करवाऊंगा तो क्या मेरा जो बजट है उसके अंदर उसकी कॉस्ट लाई कर रही है, अगर नहीं कर रही तो दूसरे प्लान पे जाऊंगा, मैं दूसरा प्लान बनवाऊंगा किससे, आर्किटेक्चर से। अगर हो रहा है तो ठीक है, उसी प्लान को हम क्या करेंगे, आगे एग्जीक्यूट करेंगे अपने वर्क में। अब इसके बाद लिखा है प्रोसीजर ऑफ एस्टिमेटिंग और मेथड ऑफ एस्टिमेशन। मतलब कौन कौन से मेथड आपके लगते हैं और कौन सा प्रोसीजर आपको लगता है एस्टिमेशन बनाने में। तो एस्टिमेशन इन्वॉल्व्स इन द फॉलोइंग ऑपरेशन, प्रिपेयरिंग डिटेल्ड एस्टिमेशन। सबसे पहले आपको डिटेल्ड एस्टिमेशन करवाना पड़ता है। मैंने करीबन 65 वीडियो इसी टॉपिक के ऊपर बनाई हुई है अपने कॉर्पोरेट ट्रेनिंग कोर्स में और गुरुजी के खजाने कोर्स में, जो एस्टिमेशन पार्ट है, सिंगल पार्ट एस्टिमेशन, उसके अंदर करीबन 65 वीडियोस लगी थी मुझे डिटेल्ड एस्टिमेशन पढ़ाने में आप लोगों को। इसके बाद कैलकुलेटिंग द रेट ऑफ ईच यूनिट ऑफ वर्क। मतलब सभी आइटम के यूनिट पता होना चाहिए मुझे कि किस चीज में हम मोड ऑफ मेजरमेंट करते हैं। आगे नोट्स में मैंने वो भी कवर किया है कि किस आइटम को किस यूनिट में कवर करते हैं, कब करते हैं, कौन सी यूनिट का यूज, वो भी आगे लिखा हुआ है इस नोट्स में। प्रिपेयरिंग एब्स्ट्रैक्ट ऑफ द एस्टिमेट, इसको हम बिल ऑफ क्वांटिटी बोलते हैं, कि फाइनल एस्टिमेशन तो निकाल दिया, अब एस्टिमेशन से हम बिल कैसे बनाएंगे, मतलब बजट कितना आया वो कैसे निकालें, तो उसको बोलते हैं बिल ऑफ क्वांटिटी। उसे बनाने के लिए शेड्यूल ऑफ रेट्स को पढ़ना पड़ेगा ही, उससे पहले मैं एस्टिमेशन नहीं बना पाऊंगा। इसके बाद चलते हैं, यहां पर लिखा डाटा रिक्वायर्ड टू प्रिपेयर एन एस्टिमेट। कौन सा डाटा चाहिए मुझे, फिर से वही ड्रॉइंग, स्पेसिफिकेशन और रेट्स, तीन डाटा मेरे पास जरूरी पड़ेंगे जब मैं एस्टिमेशन बना पाऊंगा। इसके बाद ड्रॉइंग्स के बारे में थोड़ा सा इंपॉर्टेंट पढ़ते हैं, इंपॉर्टेंस क्या है। If the drawing are not clear and without complete dimension, the preparation of estimation become very difficult. यदि मेरे पास जो drawing है वो complete नहीं है या उनके अंदर जो डाटा है वो भी कंप्लीट नहीं है, तो एस्टिमेशन बनाना मेरे लिए डिफिकल्ट होगा। इसलिए बात समझ में आई, एस्टिमेशन में ड्राइंग का जानना, ड्राइंग का होना बहुत ही जरूरी है। थोड़ा सा आगे बढ़ाता हूं मैं नोट्स को स्पीड में यहां पर, इसके बाद आप लोग देखेंगे कि नोट्स में इतना तो है यहां पर। इसके बाद अब कंस्ट्रक्शन प्रोसेस स्टार्ट होगा, लेकिन उससे पहले जानते हैं प्रोसेस ऑफ एस्टिमेशन। एस्टिमेशन में निकाला आइटम्स की क्वांटिटी, SOR से जाके मिला रेट, आइटम मल्टीप्लाई बाय रेट, दैट इज कॉल्ड अमाउंट, एंड दिस इज कॉल्ड बिल ऑफ क्वांटिटी। इसको ही बोलते हैं क्या, बिल ऑफ क्वांटिटी। दोस्तों जब मैं एस्टिमेशन पढ़ाता हूं ना, तो एक दावा करता हूं मात्र 5 कैलकुलेशन से आप पूरे बिल्डिंग को सॉल्व कर सकते हैं उसका एस्टिमेशन। तो देखिए वो 5 कैलकुलेशन क्या है। ये 5 कैलकुलेशन आप अपने बचपन से, अपने स्कूलिंग लाइफ से पढ़ते हुए हैं, वही 5 कैलकुलेशन कराता हूं। किसी भी तरह की स्टील RCC में यूज हुई भारी भारी कैलकुलेशन यूज नहीं कराता, मात्र 5 कैलकुलेशन से आप अपना एस्टिमेशन सॉल्व कर सकते हैं। वो 5 कैलकुलेशन क्या है, सबसे पहले वॉल्यूम, ऐसे आइटम जिनमें हम 3 डायमेंशन क्या करते हैं, 3 डायमेंशन की मल्टीप्लाई करते हैं, उसकी यूनिट होती है क्यूबिक मीटर, क्योंकि एस्टिमेशन मीटर में सॉल्व किया जाता है। अब यहां पर कौन से ऐसे आइटम है, जैसे कॉन्क्रीट से रिलेटेड, ब्रिक वर्क से रिलेटेड जितने भी आइटम होंगे, एक्सकवेशन से रिलेटेड जितने भी आइटम होंगे, वो सभी क्यूबिक मीटर में सॉल्व आउट कराते हैं। उन्हें सॉल्व आउट करने के लिए केवल मुझे 3 डायमेंशन की जरूरत पड़ेगी, उनकी मल्टीप्लाई करूंगा, इजिली क्यूबिक मीटर में आंसर निकल के आता है। इसके बाद एरिया कैलकुलेशन, मतलब ऐसे आइटम जिनकी केवल 2 डायमेंशन की मल्टीप्लाई करते हैं, वो 2 डायमेंशन क्यों करें, क्योंकि कोई सी एक डायमेंशन या तो नेग्लिजिबल है या कोई सी एक डायमेंशन फिक्स्ड है। जैसा कि देखिए प्लास्टर, प्लास्टर के केस में 6 mm, 12 mm या 15 mm क्या है, फिक्स्ड है। लेकिन अगर मैं DPC की बात करूं तो उसकी थिकनेस क्या है, नेगलिजिबल है। बिटुमिन कोट की बात करूं, उसकी थिकनेस क्या है, नेगलिजिबल है, क्योंकि बिटुमिन कोट की एक डायमेंशन हम उसकी थिकनेस को मेजर नहीं कर सकते। तो यूनिट क्या रहेगी, एरिया में यूनिट रहेगी। कंप्लीटली सिखाया मैंने अपने नोट्स में भी। इसके बाद आता है दोस्तों इनुमरेटेड क्वांटिटी। इनुमरेटेड क्वांटिटी मतलब जिनको हम काउंट कर सकते हैं, काउंटेबल क्वांटिटीज को बोलते हैं इनुमरेटेड क्वांटिटी।
जिनका मोड ऑफ मेजरमेंट होता है नंबर पर पीस और यूनिट ऑफ मेजरमेंट होता है ईच, मतलब जैसे डोर फिटिंग आइटम्स, डोर के फिटिंग आइटम किसमें आते हैं, नंबर पर पीस में आते हैं। एक लेने जाओगे तो एक का पैसा देना होगा, दो लेने जाओगे दो का पैसा। मतलब इस पेन को यदि मैं मार्केट से लेने जाऊंगा तो क्या मैं क्यूबिक मीटर में लूंगा इसको, क्या मैं स्क्वायर मीटर में लूंगा या मैं रनिंग मीटर में लूंगा, मैं किसमें लूंगा, नंबर पर पीस में। मुझे एक पेन चाहिए तो एक पेन का मुझको पैसा पे करना रहेगा। इसके बाद आता है रनिंग मीटर। देखिए रनिंग मीटर मतलब जिसकी यूनिट केवल एक ही डायमेंशन हम ले रहे हैं, किसी के साथ मल्टीप्लाई नहीं कर रहे, बस एक डायमेंशन लिया, मेजर कर लिया। जैसे प्लंबिंग पाइप, इलेक्ट्रिकल पाइप, इलेक्ट्रिकल वायर, कर्टेन रॉड, इन सब की डायमेंशन किसमें आती है, आपकी रनिंग मीटर में हम इसकी कैलकुलेशन करते हैं। लास्ट क्वांटिटी जो होती है मास, बचपन से पढ़े मास इक्वल्स टू वॉल्यूम इनटू डेंसिटी। क्या था वो, उसकी यूनिट थी केजी में। केजी में हम क्या निकालते हैं, यूनिट ऑफ मेजरमेंट करते हैं। क्यों, क्योंकि ऐसे आइटम जो कि मेटल से रिलेटेड होते हैं, मेटल रिलेटेड आइटम को हम किसमें निकालते हैं, केजी में, किलोग्राम में निकालते हैं। केवल ये पांच कैलकुलेशन, पूरा एस्टिमेशन यहां से क्या होता है, सॉल्व आउट होता है। इसके बाद आप देखेंगे कि ये एस्टिमेशन की शीट होती है, सीरियल नंबर, डिस्क्रिप्शन, नंबर ऑफ आइटम, लेंथ, विड्थ, हाइट और टोटल, ये लिखना पड़ता है हमको अपने ड्राइंग से डाटा एक्सट्रैक्ट करने के बाद इस एस्टिमेशन शीट में। ये नोट्स में आप लोगों को मैंने दिया है यहाँ पे कंस्ट्रक्शन प्रोसेस, लेकिन इन सभी आइटम्स के वीडियोस अवेलेबल हैं कॉर्पोरेट ट्रेनिंग कोर्स और गुरुजी के खजाना कोर्स में। इसके बाद आप लोग देखेंगे एक एब्स्ट्रैक्ट शीट भी मैं आप लोगों के लिए लेकर आया हूँ। एब्स्ट्रैक्ट मतलब बिल ऑफ क्वांटिटी का शीट में लिखते हैं सीरियल नंबर, कोड नंबर, डिस्क्रिप्शन, क्वांटिटी, यूनिट, रेट और अमाउंट यहां पे लिखते हैं, जब जाकर हमारा क्या निकलता है, टोटल बजट निकल के आता है। इसके बाद आप लोग देखेंगे यहां पर कि मैंने कुछ और डिटेल दी गई है। तो सबसे पहले आप लोगों को कंस्ट्रक्शन प्रोसेस समझाया कैसे इस नोट्स में, आप जानना चाहोगे ना उसके बारे में कि कंस्ट्रक्शन प्रोसेस नोट्स में कैसे दिया है सरने। तो यहां पर देखिए सबसे पहले कंस्ट्रक्शन प्रोसेस होता है, जब भी कोई वर्क करते हैं हम, फर्स्ट पॉइंट है कौन सा, साइट क्लीनिंग। इस साइट क्लीनिंग को करना भी बेहद ही डिफिकल्ट वर्क है, क्योंकि इसका नॉर्म्स भी जानना बेहद जरूरी है। कुछ एक्स्ट्रा रेट भी मिलता है, वो एक्स्ट्रा रेट कैसे मिलेगा, थोड़ा सा हम पहले डेफिनेशन पढ़ते हैं। ऐसा प्रोसेस जिसमें हम साइट को क्या करते हैं, क्लीन करते हैं। साइट को क्लीन करने के बाद जितना भी अप रूट है, मतलब कुछ रूट है, वेजिटेबल्स है, डिस्पोजल आइटम, उनको साइट से बाहर निकालना। अब आप लोग देखेंगे यहां पर एक एस्टिमेशन शीट अवेलेबल है, वो एस्टिमेशन शीट आप लोगों को दिखाता हूं मैं, कि ये एस्टिमेशन शीट भी मैंने हर एक आइटम का दिया है आप लोगों को, जिसमें साइट क्लीन नंबर ऑफ आइटम 1 लिख दिया, इसका लेंथ में प्लॉट का एक मीटर क्या कर दिया, एक्स्ट्रा कर दिया। क्यों एक्स्ट्रा कर दिया, आप लोग देखेंगे यहां पर, अगर मुझे कंस्ट्रक्शन करनी है इतने पोर्शन में, लेकिन मुझे ये वाला पोर्शन भी क्या करना पड़ेगा, साफ करना पड़ेगा। क्यों साफ करना पड़ेगा, देखिए जब भी हम अपने घर की सफाई करते हैं तो घर की सफाई खाली घर को साफ नहीं करते, बाहर भी थोड़ा सा साफ करते, क्योंकि बाहर का गंदा मटेरियल अंदर ना आए हमारे। सेम यहां पर आप लोग देखेंगे बाहर जो मटेरियल होगा गंदा, वो अंदर साइड पर ना आए, साथ में मटेरियल स्टोरेज के लिए भी हमें एक्स्ट्रा जगह चाहिए, इसलिए हम यहां पर एक एक मीटर क्या कर लेते हैं, एक्स्ट्रा क्लीन करते हैं। उसके बारे में कंप्लीटली आप लोग देखेंगे कि यहां पर जो एस्टिमेशन शीट मैंने बनाई है उसमें भी एक एक मीटर लेंथ में एक्स्ट्रा लिया, प्लॉट में भी एक एक मीटर यहां पर एक्स्ट्रा क्लेम करके, नंबर ऑफ आइटम मल्टीप्लाई बाय लेंथ इनटू विड्थ, मतलब नंबर ऑफ आइटम दिस मल्टीप्लाई लेंथ इनटू विड्थ किया, तो यहां पर आंसर जो आएगा किसमें आएगा, मीटर स्क्वायर में। क्यों, क्योंकि दो डायमेंशन लेंथ और विड्थ, मीटर इनटू मीटर दैट इज कॉल्ड स्क्वायर मीटर में यहां पर क्या हुआ है, कैलकुलेशन हुई है यहां पर। तो नेक्स्ट कंस्ट्रक्शन प्रोसेस है आपका एक्सकवेशन। एक्सकवेशन की डिटेल्स यहां पर दिए हैं मैंने कंप्लीटली आप लोगों को, साथ में देखिए एक्सकवेशन कैसा होगा हमारी साइट पर। जैसे कि आप लोग देख रहे हैं यहां पर मैंने एक्सकवेशन किया, तो एक्सकवेशन की लेंथ ये, विड्थ ये, और हाइट देखिए यहां पर पीछे एक्सकवेशन चल रहा है। तो अब मैं नेक्स्ट डायग्राम में आप लोगों को दिखाता हूं कि नेक्स्ट डायग्राम में मैंने कैसे कवर किया इस वाले पोर्शन को। तो आप लोग देखेंगे कि यहां पर नेक्स्ट डायग्राम में लेंथ, विड्थ और यहां पर थर्ड डायमेंशन हाइट, तो किस में निकलेगा यूनिट, क्यूबिक मीटर में निकलेगा यूनिट। क्यों, क्योंकि एक्सकवेशन में तीन डायमेंशन के हम क्या कर रहे हैं, मल्टीप्लाई। अब देखिए आगे मैंने कुछ इसी तरह से दिए, लेकिन थोड़ा सा मैं आप लोगों को एक चीज दिखाना चाहूंगा कि यहां पर एग्जाम्पल सॉल्व है कुछ, वो एग्जाम्पल क्या है आप लोगों को यहां पर दिखाता हूं। कि एग्जाम्पल दे दिया मैंने कि कोई क्वेश्चन है आप लोगों के लिए सॉल्व कराने के लिए, टास्क है कि फुटिंग का साइज है F1 और F2 का 1.8 1.8 और F2 का 1.5 1.5, नंबर ऑफ फुटिंग 16 है, यहां पर नंबर ऑफ फुटिंग 8 है, कैलकुलेट करना है क्वांटिटी ऑफ सैंड फिलिंग फॉर 4 इंच, 4 इंच मतलब 0.1 मीटर के लिए आपको क्या करना है, क्वांटिटी कैलकुलेट करना है। तो क्या करना है आपको, पहले से 100 mm एक्स्ट्रा कर दिया। क्यों, क्योंकि 100 mm एक्सकवेशन में आपने एक्स्ट्रा कर दिया, क्योंकि फुटिंग का तो एक्चुअल साइज है 1800, फुटिंग का एक्चुअल साइज कितना है 1800, लेकिन उसमें दोनों तरफ चारों तरफ से हमने 100 mm क्या कर दिया, एक्स्ट्रा कर दिया, इसलिए यहां भी हमने एक्स्ट्रा लिखा। देन इसके बाद 0.1 क्या है, इसकी थिकनेस यहां पर दी गई है, तो एस्टिमेशन शीट में मैंने यहां पे पुट अप कर दी वैल्यू, नंबर ऑफ आइटम मल्टीप्लाई लेंथ इनटू विड्थ इनटू हाइट किया, तो आंसर किस
में निकला क्यूबिक मीटर में। थोड़ा सा आगे लेके जाऊंगा, यहां तो मैंने ये कंप्लीटली आप लोगों को करवाया एग्जांपल के साथ यहां पे सॉल्व आउट। इसके बाद इस बार मैंने जो नोट्स अपग्रेड किए आप लोगों के लिए और साथ में कॉर्पोरेट ट्रेनिंग कोर्स और गुरुजी के खजाने कोर्स में भी ये नोट्स अपग्रेड कर दिए गए हैं। इस बार मैंने फुटिंग कॉन्क्रीट से अलावा फाउंडेशन पार्ट भी यहां पे कंप्लीट किया आप लोगों को। दो तरह के फाउंडेशन, शैलो और डीप, भारी कंफ्यूजन रहता है लेकिन इस बार कंफ्यूजन क्रिएट नहीं होगा। देखिए यहां पर एक फ्लो चार्ट है, इसमें लिखा है फाउंडेशन शैलो और डीप, आइसोलेटेड स्प्रेड फुटिंग, वॉल फुटिंग, कंबाइंड फुटिंग, कैंटिलीवर और स्ट्रैप फुटिंग और राफ्ट और मैट फाउंडेशन। इसके बाद डीप में होते हैं पाइल, पियर और कैशन, उसके बारे में भी नोट्स के अंदर मैंने कंप्लीटली डिटेल में यहां पर दिया गया है कि सिंगल पैड फुटिंग कैसा दिखेगा, स्ट्रैप फुटिंग कैसा दिखेगा आपका, स्लोप फुटिंग कैसा दिखेगा, उसके बारे में कंप्लीटली डिटेल में दिया है इस बार। बॉल फुटिंग और स्ट्रैप टाइप, इसके बाद आप लोग देखेंगे यहां पर नोट्स में और भी यहां पर डिटेल में दिया गया है आपको कंबाइंड फुटिंग, ये स्ट्रैप फुटिंग हो रहा है कंप्लीटली। दोस्तों फाउंडेशन पार्ट में आपने देखा कि किस तरह से मैंने एस्टिमेशन शीट के साथ साथ एक्सप्लेनेशन पार्ट को यहां पर दिया है आप लोगों के लिए। इसके बाद चलता हूं सबस्ट्रक्चर पार्ट में। सबस्ट्रक्चर पार्ट में फर्स्ट पॉइंट है वन लाइन ब्रिकवर्क। आप समझेंगे कि इस नोट्स में मैंने क्या क्या चीजें इंक्लूड किया है। वन लाइन ब्रिकवर्क कब देते हैं, ग्राउंड बीम के नीचे देते हैं क्योंकि एक स्टेबल बेस प्रोवाइड करना पड़ता है। जैसा कि यहां पर हमारा मैसन यहां पर वन लाइन का ब्रिकवर्क कर रहा है, सेम अब वन लाइन ब्रिकवर्क के लिए हम एस्टिमेशन में क्या कंसेप्ट अपनाएंगे। जैसा कि लेंथ क्या लेंगे, क्लियर स्पान क्या होता है, एक कॉलम के इनर पॉइंट से दूसरे कॉलम के इनर पॉइंट तक के बीच का डिस्टेंस को बोलते हैं क्लियर स्पान, और किसी भी कॉलम के सेंटर पॉइंट से लेकर दूसरे कॉलम के सेंटर पॉइंट तक के डिस्टेंस को बोलते हैं इफेक्टिव स्पान। अब आप लोग देखेंगे विड्थ में लिख रहा है आपको बीम का विड्थ, क्यों, क्योंकि इसको आपको उतना ही विड्थ रखना है जितना आपका बीम का विड्थ रहेगा। और हाइट ऑफ वन लाइन ब्रिकवर्क इज 0.1 मीटर, दैट इज 4 इंच, क्योंकि एक ब्रिक हमारा 4 इंच का होता है। तीनों का मल्टीप्लाई करा, आंसर किसमें निकला, वॉल्यूम में, यूनिट ऑफ मेजरमेंट रहेगा क्यूबिक मीटर में। अब आप लोग देखेंगे यहां पर मैंने एस्टिमेशन शीट भी आप लोगों को भरना सिखाया। एस्टिमेशन शीट कैसे होते हैं, 10th नंबर डाला क्योंकि हम यहां पर 10th नंबर तक पहुंचे अभी। वन लाइन ब्रिकवर्क फॉर ग्राउंड बीम GB1, GB2, इसके अलावा सो ऑन, आगे जो भी होंगे हम सो ऑन कर देंगे जितना हमें ड्रॉइंग्स में दिया गया हो। इसके बाद यहां पर लेंथ क्लेस्पन में लिखा, जो लेंथ रहेगी बीम के विड्थ में यहां पर विड्थ लिख देंगे और यहां पर 0.1 मल्टीप्लाई कर देंगे नंबर ऑफ आइटम मल्टीप्लाई लेंथ मल्टीप्लाई विड्थ इनटू हाइट की, तो क्या निकलेगा क्यूबिक मीटर में वन लाइन ब्रिकवर्क का वॉल्यूम निकलेगा। साथ में एक चीज और समझाया आप लोगों को मैंने इस वाले ड्रॉइंग में, देखिए ये दो कॉलम है, ये दो फुटिंग है ट्रेपेजॉइडल फुटिंग, यहां पर बीच में जो लाइन है दैट इज कॉल्ड एनजीएल नेचुरल ग्राउंड लेवल। आप लोग देखिए यहां पे क्या लिखा है, नेचुरल ग्राउंड लेवल, नेचुरल ग्राउंड लेवल के ऊपर जो ब्रिकवर्क हुआ है इसको बोलते हैं क्या हम, वन लाइन ब्रिकवर्क फॉर ग्राउंड बीम, इस ब्रिकवर्क को बोलते हैं वन लाइन ब्रिकवर्क फॉर ग्राउंड बीम। अब आगे चलता हूं मैं, तो आगे आप लोग देखेंगे ग्राउंड बीम भी दिया है यहां पर, ग्राउंड बीम कॉन्क्रीट। तो यहां भी मैंने क्या किया है, उसी इमेज को यहां पर देखिए उसी की सहायता से समझाया, लेकिन उसी इमेज को मैंने यहां पर आप लोगों के लिए वन लाइन ब्रिकवर्क के बाद ग्राउंड बीम भी यहां पर लगाया कि आप लोगों को अच्छे से रिलेट हो पाए कि कैसे कंस्ट्रक्शन प्रोसेस के एक एक स्टेप किए जाते हैं। तो दोस्तों इसी तरह से यहां पर आगे भी देखेंगे आप लोग, तो कंप्लीटली डिटेल में दिया गया है आप लोगों के लिए। यहां पर देखिए डायग्राम ऑफ ब्रिकवर्क अप टू डीपीसी बॉटम का जो डायग्राम है हमारा वो आएगा। देखिए अब ब्रिकवर्क अप टू डीपीसी बॉटम पहुंच गए, देन नेक्स्ट डायग्राम में आप लोग देखेंगे कि डीपीसी भी पहुंचेंगे हम यहां पर। अब आया यहां पर डीपीसी डैम प्रूफ कोर्स। तो दोस्तों इस तरह से यहां पर कंप्लीटली आप लोगों के लिए डोर विंडो तक भी कंप्लीट करा है, विंडो ग्रिल भी इस वाले नोट्स में अवेलेबल है। आप लोगों को दिखाता हूं विंडो ग्रिल वाला पार्ट किस तरह से यहां पर अवेलेबल कराया मैंने। दोस्तों अब देखिए एल्यूमिनियम विंडो, देखिए एल्यूमिनियम विंडो में सबसे पहला पोर्शन होता है एल्यूमिनियम स्लाइडिंग फ्रेम। इस एल्यूमिनियम स्लाइडिंग फ्रेम में हमें क्या क्या जरूरत पड़ती है, जैसे कि आप लोग देखेंगे टॉप एंड बॉटम, तो टॉप एंड बॉटम को कैसे निकालना फॉर्मूला बेस्ड यहां पर मैंने ऐड कर दिया पहले ही। इसके बाद वर्टिकल सेक्शन विदाउट लॉग, यहां पर भी फॉर्मूला बेस्ड मैंने पहले ही सॉल्व कर दिया। सी पोर्शन वर्टिकल सेक्शन विद लॉग, देखिए एल्यूमिनियम फ्रेम में हमारे पास सबसे पहले बॉटम पोर्शन होता है, टॉप पोर्शन होता है, लेफ्ट एंड राइट पोर्शन होते हैं, लेकिन जब हम स्लाइडिंग फ्रेम की बात करते हैं यहां पर, तो स्लाइडिंग फ्रेम में हमारे पास क्या होगा, एक वर्टिकल सेक्शन जिसमें लॉक लगा होगा, एक ऐसा वर्टिकल सेक्शन जिसमें लॉक नहीं लगा होगा, क्योंकि चारों तरफ हम लॉक नहीं लगा सकते, इसलिए यहां पर इस तरह से पोर्शन दिए गए हैं सॉल्व करके। देन ग्लास, ग्लास के बाद आपका मॉस्किटो नेट का आइटम, कि मॉस्किटो नेट को कैसे सॉल्व करते हैं, तो यहां पे फॉर्मूला लगा नंबर ऑफ विंडो मल्टीप्लाई नंबर ऑफ मॉस्किटो नेट इन वन विंडो मल्टीप्लाई विड्थ। इसके बाद कुछ रेफरेंस डाटा है जो आपको बहुत ही ज्यादा यूज पड़ने वाले हैं कि सेक्शंस के वेट कैसे आप लेंगे, तो सेक्शन लिखे हैं बॉटम का वेट, टॉप का, लेफ्ट राइट, और एल्युमिनियम स्लाइडिंग फ्रेम में भी टॉप एंड बॉटम का वेट, वर्टिकल सेक्शन विदाउट लॉक, वर्टिकल सेक्शन विद लॉक के वेट यहां पर दिए गए हैं। इसके बाद विंडो ग्रिल का यहां पर एस्टिमेशन के लिए नोट्स यहां पर इजीली अवेलेबल है आप लोगों के लिए। देखिए ये जो नोट्स हैं कंप्लीटली, ये नोट्स इतने बड़े हैं कि एक वीडियो में समझाना पॉसिबल ही नहीं है, इसलिए आप लोगों के लिए ये नोट्स अवेलेबल हैं। डाउनलोड करिए सिविल गुरुजी एप्लीकेशन को, वहां जाके आप लोगों के लिए नोट्स अवेलेबल हैं ये सभी। वहां जाकर आप लोग देखेंगे कि संडे सुबह 7 बजे से आप लोगों के लिए
नोट्स इजीली अवेलेबल हैं, डाउनलोड कीजिए सिविल गुरुजी एप्लीकेशन को और नोट्स को आप इजीली डाउनलोड भी कर सकते हैं। तो दोस्तों बने रहिए सिविल गुरुजी के साथ, ऐसे ही और वीडियोस आप लोगों के लिए लाता रहूंगा और साथ में आप लोगों की लर्निंग बढ़ाने के लिए हम कोर्स भी और ज्यादा आप लोगों के लिए लेकर आ रहे हैं। जैसा कि अभी जो कोर्सेज चल रहे हैं कॉर्पोरेट ट्रेनिंग कोर्स और गुरुजी का खजाना कोर्स, जिसमें गुरुजी कूपन कोड की सहायता से आप लोगों को एक भारी डिस्काउंट मिलने वाला है और साथ में इन नोट्स की भी आप लोगों के लिए जो अवेलेबल है संडे को सुबह आप लोगों को पता चलेगा किस तरह से आप इस नोट्स को डाउनलोड कर सकते हैं इजीली सिविल गुरुजी एप्लीकेशन। तो दोस्तों तब तक के लिए बने रहिए सिविल गुरुजी साथ। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। करना है खास तो चलो हमारे साथ, करना है खास तो चलो हमारे साथ, सिविल की बात गुरुजी के साथ।